प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं, आशा है सभी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। तैयार हो जाइए मॉर्निंग योगा डे 10 के लिए। प्रणाम। आज का आपका पहला आसन है प्रपाद आसन। कैसे करेंगे? पहले तो थोड़ा पीछे आके मैट पर पांव को रिलैक्स कर लिया, थोड़ा उनको आराम दे दिया, फिर जोड़ लिया दोनों को, पीछे की तरफ खींच लेना है। यहाँ पर बंद करके दोनों घुटनों को हाथों से ऐसे बांध लेना है। अच्छी सांसें लेनी है, यहाँ पर गहरी अंदर इनहेल करना है, रुकना है और उसके बाद फिर एक्सहेल कर देना है। इस प्रकार से आपने अपने शरीर को तैयार किया, उसके बाद मदद ले ली, अपनी मैट की मदद ले ली और दोनों टोज पर अंगूठों पर इस प्रकार आ जाना है। घुटने आगे आ जाएंगे, बैलेंस बनाना है यहाँ पर, हाथों की मदद से बैलेंस बनाया। हम ये 3 बार करेंगे। ये पहला है, हाथ जोड़ लिए, इसके बाद बहुत धीरे से नीचे आ गए, रुके यहाँ पर, फिर आगे आ जाइए। तो एक सेट में 3 बार आपने करना है इसको। जोड़ लीजिए हाथों को और धीरे धीरे फिर आगे देखना है। आराम से पीछे आ गए। तीसरी काउंट, आ जाओ, घुटने आगे की तरफ हैं, हील पर बैठ गए आप, बैलेंस बनाया, इनहेल एक्सहेल करते रहना है और रुके यहाँ पर, फिर बहुत धीरे आ जाइए। ये आपका पहला सेट हो गया। एक और सेट करेंगे इसी में। ध्यान से देखिए, दोनों अंगूठों पर ऐसे बैठ के हील के ऊपर बैठना है, नी साथ में लगाई, शरीर बिल्कुल बैलेंस करना है और फिर नमस्ते ले लिया। आराम से नीचे आ गए, रुक गए, फिर चलिए। तो आप देख रहे हैं कैसे आपके एंकल पर, आपकी एड़ियों पर कैसे ये प्रभाव डालता है, कैसे उसके ऊपर प्रेशर डालता है। यहाँ पर रुकना है। 3, 2, 1, आ जाइए। एक और सेट कर लेंगे, एक और काउंट कर लेंगे। दूसरे सेट की तीसरी काउंट है ये। आ जाओ, जोड़ लो दोनों घुटनों को, शरीर सीधा करना है और उसके बाद प्रणाम। रुक जाओ अब यहाँ पर। 5, 4, 3, 2, 1, आ जाइए। तो ये हो गया आपका पहला आसन। यहाँ पर थोड़ी सांसें ले लो। दूसरे आसन पे चलेंगे। इसके लिए पाँव को फैला देना है ऐसे। ये है प्रसारित पाद आसन। पाँव को फैला के उसके अंगूठे पकड़ लेने हैं ऐसे। प्रसारित पाद अंगुष्ठासन हो गया ये। और अच्छी तरह पकड़ के नीचे देखना है ऐसे। चाहो तो सर भी लगा दिया ऐसे। अब यहीं पर ऐसे बने रहे इस आसन में। तो जैसे जैसे आपको प्रभाव आने लगे थाइज पर, काफ मसल पर, धीरे धीरे बाहर आ जाना है। पाँव को भी थोड़ा अंदर ले लिया, आराम दिया, फिर से फैलाया पाँव को, अंगूठे पकड़े, एक्सहेल करके नीचे की तरफ। यहाँ रुक जाना है। आप देखोगे कैसे थाइज पर, आपके हैमस्ट्रिंग पर, काफ मसल पर, शिन पर, एंकल पर कैसा प्रभाव डालता है यह आसन। धीरे धीरे हाथों की मदद से आगे आगे सांस लेते रहे। जैसे आसन से बाहर निकले बहुत धीरे धीरे सांस लेते रहना है आपने। तीसरा आसन करेंगे। पकड़ा अंगूठों को और फिर सर नीचे लगा दिया, बस रुके यहाँ पर। 3, 2, 1, आ जाओ। आराम से आसन से बाहर आ गए। इसका हमने एक सेट करना है। रुक जाना है अब यहाँ पर। फिर से सांस लो, बाहर छोड़ा, फिर से लो, छोड़ा। अगला आसन, तीसरा आसन है हमारा पादुत्तान आसन। तो सरल आसन है, बहुत आसानी से सभी कर सकते हैं इसको।
बस थोड़ा इसमें ध्यान लगा के करना, जिससे और आप इसको इससे लाभ ले सके। तो लेट गए ऐसे, दोनों पांव अंगूठे अपनी तरफ खींच लेने हैं, हाथ शरीर के साथ रखे, दोनों पांव को धीरे धीरे ऊपर उठा लिया ऐसे। उठाने के बाद ऐसे बनाए रखना है, बस यहां पर रुके रहे, 5 4 3 2 1 नीचे की तरफ जाओ, वहां पे पूरी तरह छोड़ देना है। यहां पे बहुत आराम लिया, फिर से दोनों पांव इकट्ठे किए, अंगूठे अपनी तरफ और पांव ऊपर उठा लिए, उठा के बड़े अंगूठे अपनी तरफ घुमाना, उनको प्रेशर देना है नीचे की तरफ। यहां पे रुके रहे, आ जाओ धीरे धीरे करके नीचे आ जाएंगे। फिर से पूरे पांव को छोड़ दो, थोड़ा खोल दिया पांव को और यहां पर आराम कर लिया। तीसरी बार कर लेंगे, उठाओ दोनों पांव को, उठाया अंगूठे अपनी तरफ, प्रेशर अपनी तरफ किया, 5 4 3 2 1 आराम से नीचे आ गए। ये हमारा एक सेट हो गया, एक सेट में 3 काउंट की, शांत हुए यहां पर, लेट के आराम किया। तीसरा आसन चल रहा है आपका, फिर से उठा लो एक बार, 3 बार कर लेंगे, 2 सेट करेंगे इसके। ऊपर गया इसी प्रकार से, बस ऐसे बैलेंस बनाए रखना, आपने पांव सीधे रहे हैं आपके, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। फिर धीरे धीरे नीचे आ गए, छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया पांव को, फिर उठा लिया, ऊपर की तरफ चले गए, अंगूठे अपनी तरफ खींच लिए, 5 4 3 2 1 नीचे की तरफ चले जाओ, पांव को हल्का छोड़ दिया, 2 तीसरी बार कर लो, उठा लो ऊपर, अंगूठे अपनी तरफ खींच लिए, 5 4 3 2 1 आराम से नीचे चले गए और पांव को बिल्कुल हल्का छोड़ दिया, ऐसे आराम कर लिया। फिर आपने राइट साइड से टर्न करना है और ऊपर आना है। ये हमेशा के लिए नियम रखिएगा, जब भी आसन से बाहर आ रहे हैं राइट साइड से आना है, जब आप आरंभ में हैं। अच्छी सांसें ली, गहरी सांसें ली और अब हम चौथे आसन की तरफ जा रहे हैं। सरल आसन है चौथा आसन भी, लेकिन थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। इसमें हमने सीधा पांव आगे रखना होता है और जैसे ही राइट लेग रखी नीचे, उसको पूरा बैलेंस करना है, नी और हील या लाइन हो, पांव पूरी तरह से मैट पर हो, दोनों हाथ साथ में रखने हैं, लेफ्ट नी को नीचे रखा, टो पीछे से हटा लिया, इसे कहते हैं अर्धचंद्रासन जो हम अभी करेंगे। हाथों को ऊपर उठा लिया ऐसे और यहां से बहुत धीरे धीरे पीछे की तरफ हल्का सा पीछे छोड़ देना है हाथों को, ये आपका अर्धचंद्रासन हो जाता है। अब ऊपर देख लिया और आराम से नीचे आ गए। इसी प्रकार दूसरी तरफ कर लिया, जैसा राइट लेग में किया उसी प्रकार लेफ्ट लेग से करना है। आ जाइए, लेके आओ लेफ्ट लेग को अंदर, राइट नी को नीचे रखा, शरीर को ऊपर उठाया, प्रणाम करके हाथ ऊपर और बहुत धीरे धीरे पीछे की तरफ, बहुत पीछे भी नहीं चले जाना अभी क्योंकि सुबह सुबह का समय है, धीरे धीरे शरीर को तैयार करना है। एक्सहेल करके आ गए, आराम से पांव को पीछे की तरफ ऐसे पुश किया, फिर से कर लीजिए, लेफ्ट से हो गया राइट से कर लो, राइट अंदर रखा, दोनों हाथ ऊपर उठाए नमस्ते पोजीशन में और फिर धीरे धीरे पीछे आ गए, हाथ नीचे पांव पीछे, लेफ्ट लेग को लेके आओ, ये नीचे रखी, हाथ दोनों साथ में ऊपर उठाए, चलो पीछे आ जाओ। तो आपके 2 काउंट हो गए, अब आराम से आपने वज्रासन में रुक जाना है। यह आपका हुआ चौथा आसन। पांचवा आसन है आपका बालबकासन, उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी आपकी। पहले तैयार हो गए, यहाँ पर बैठ के अच्छी सांस ली, अच्छे प्राण लिए, अपनी शक्ति बढ़ाई, ध्यान किया। चलिए शुरू करते हैं। तो बाल बकासन है और कुछ समय बाद फिर आप बकासन भी करेंगे,
पर पहले इसमें स्ट्रेंथ बना लो। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, लेकिन अभ्यास तो सबको करना चाहिए। बहुत अच्छा और मजबूत आसन है ये, ध्यान के लिए, मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो देखिए कैसे करना है इसे। अपनी घुटनों को अंडर आर्म्स की तरफ डाल देना है और बने रहना है ऐसे। यहाँ पर आपने सर टच नहीं करना है, पाँव ऊपर रहेंगे, आप हाथों पर हैं। धीरे धीरे आप ऊपर उठा सकते हैं जैसे जैसे क्षमता बढ़ती जाएगी, बिल्कुल नीचे भी नहीं लेटना है। आ जाओ, सांस लो गहरे, फिर से कर लो इसी को। आ जाओ, उठाया पाँव को, सर को भी ऊपर रखा, आंखें खुली रखनी है, पंजे खुले रखने हैं हाथों के, और फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। दो बार हो गया, एक बार फिर से कर लेंगे। तीसरी बार हाथ नीचे रखे, लेके आइए दोनों घुटनों को और उठाओ ऊपर। यहाँ बने रहे, 5, 4, 3, 2 और 1, रुक जाना है। शांत हो गए, पांचों आसन समाप्त किए। बहुत धीरे धीरे फिर आपने अपने सुखासन में आके बैठ जाना है। यहाँ पर शांत प्राणायाम करेंगे आज हम सिद्ध मुद्रा में। सिद्ध मुद्रा ले ली, आंखें बंद कर लेनी है, और जैसे आपने धारणा की आकाश की, आज हम धारणा करेंगे जंगलों की। घने जंगल, तो अपनी धारणा शक्ति से जंगलों के पास पहुंचो और उसके अंदर विचरण करना, ये आपने विजुलाइज करना है। आपने ऐसी धारणा करनी है कि घना जंगल है और उसमें आप चल रहे हो, और डरना नहीं है कोई जानवर हो, कुछ हो जाएगा। आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपकी धारणा शक्ति प्रबल है, कुछ नहीं है, सब कुछ सुंदर है, शक्तिशाली है। धारणा करो जंगलों में हो, सिद्ध मुद्रा में बैठे हो, आंखें बंद रखी और धीरे धीरे गहरा उतरते जाना है और अनुभव करना है पेड़ों का, पत्तियों का, पक्षियों का, उनका अनुभव करना है। तो धीरे धीरे इस ध्यान में गहरा उतर जाइएगा। हम आपके अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे, आज यहीं पर रोकते हैं। प्रणाम।